Hey dosto, good to get back with you on my YouTube channel Understanding Studies, and today we are going to cover the third chapter of class 8 science, and the title of the chapter is Synthetic Fibers and the Plastic. और ये जो chapter है ये chapter का second part है. मैंने first part का lecture दूसरे video में डाल दिया है, link आपको description box में मिल जाएगी या फिर ऊपर I button में. तो आज हम इसका दूसरा part पढ़ेंगे, ठीक है. पहले part में हमने synthetic fiber के बारे में सारी चीज़ें देख ली थी, हर चीज़ cover कर लिया था, सारे important points देख लेते. अब हम plastics के बारे में देखेंगे, इसके सारे important points, इसका सारा definition, इसके सारे एग्जाम्पल्स. ओके, नाउ सबसे पहले प्लास्टिक. प्लास्टिक है क्या? आपको यहाँ पे ढेर सारे प्लास्टिक्स की बॉटल दिख रही होगी, ये तो हम सभी जानते हैं. प्लास्टिक से तो हम पूरे घिरे हुए हैं, हमारे घर में जिधर नज़र डालो आपको प्लास्टिक के कुछ ना कुछ तो नज़र आ ही जाएंगे ना. तो प्लास्टिक से हम टोटली घिरे हुए हैं, लेकिन ये प्लास्टिक है क्या? वॉट इज़ अ प्लास्टिक? प्लास्टिक आर द पॉलीमर्स मेड अप ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जॉइन एंड टू एंड टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन. प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है, ठीक है ना, जो कि बहुत सारे मोनोमर के लार्ज चेन से बना है. हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था कि पॉलीमर क्या होता है. पॉलीमर एक्चुअली एक लॉन्ग चेन होता है या फिर एक कंबाइंड फॉर्म ऑफ मोनोमर्स होता है. मतलब एक छोटा सा मोनोमर, एक छोटा सा मॉलिक्यूल जब ढेर सारे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड हो जाए ना, तो वो पॉलीमर का रूप ले लेता है. एक सिंपल सा एग्जाम्पल एक पॉलीमर का या फिर एक प्लास्टिक का, पॉलीथीन. हम जो पॉलीथीन यूज़ करते हैं, ब्लैक कलर की जो झिल्ली हम मार्केट में जाते हैं, सामान लाते हैं जिसमें, हाँ वो भी एक पॉलीमर है. वो किससे बना है? इथीन से. इथीन उसका एक मोनोमर है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल है जो कि ढेर सारे इथीन से वो पॉलीथीन बना है, और एज ए प्लास्टिक हम उसे यूज़ करते हैं. तो प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है जो कि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बना है. ओके, ये यूजुअली कार्बन कंपाउंड्स होते हैं. हाँ, कार्बन कंपाउंड्स, जैसे इथीन भी एक कार्बन कंपाउंड है, एंड पॉली एक्रोल नाइट्राइल, ठीक है. ये भी सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं जिसमें नाइट्राइल है, इथीन है, इथाइन, ये सारे कार्बन कंपाउंड्स में आते हैं. तो सेम एज प्लास्टिक भी वही है. अब प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक मटेरियल विच ऑन बीन हीटिंग बिकम सॉफ्ट एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप एंड देन हार्डेंड टू प्रोवाइड अ ड्यूरेबल आर्टिकल. तो प्लास्टिक एक सिंथेटिक मटेरियल है, मैनमेड मटेरियल है, जो कि गर्म करने पे सॉफ्ट हो जाता है, और जिसको हम अपने डिज़ायर के हिसाब से उसको कोई भी शेप दे सकते हैं, अपने हिसाब से उसको कोई भी शेप दे सकते हैं. ओके, और ये बाद में हार्डन भी हो जाता है जिस कारण से हम इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ये ड्यूरेबल होता है. नाउ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ सब्सटेंस अपॉन हीटिंग कैन बी इजिली मोल्डेड इनटू शीट्स और ड्रॉन इनटू फाइबर इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी. वो प्रॉपर्टी जिसमें कोई भी सब्सटेंस गर्म होने पे, हीट होने पे हम सॉफ्ट हो जाता है, और उसको हम किसी भी शेप में या फिर शीट में मोल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं, हाँ उसको शेप दे सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी बोलते हैं. यही प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी प्लास्टिक सब्सटेंस भी फॉलो करते हैं. ओके, कुछ कॉमन प्लास्टिक्स है जैसे कि बेकलाइट, ये सब प्लास्टिक की एक फॉर्म है, ठीक है. बेकलाइट हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलीथीन हो गया, टेरिलिन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया. हाँ, तो आप घर में ना ईयरफोन्स यूज़ करते होंगे, ठीक है. वो जो ईयरफोन्स होता है वो बहुत ही हार्ड प्लास्टिक होता है, वो स्पेशली बेकलाइट से बना होता है. ये फिगर देख लो, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे घर के इलेक्ट्रिकल स्विचेस हो गए, या फिर जो कुकर का हैंडल हो गया, ये सारे बेकलाइट से बने होते हैं. नायलॉन प्लास्टिक से ही बहुत सारी चीज़ें बने होते हैं, जैसे कि आप अगर न्यू साइकिल लाए हो घर में, या फिर कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लीकेंसेस लाए हो घर में, तो उसमें ना एक प्लास्टिक फोम होता है वाइट कलर के, जिसमें एयर भरे होते हैं, इस तरीके का, ये नायलॉन प्लास्टिक से बना होता है. हाँ, उसी तरीके से, हाँ पॉलीथीन का हमने जिक्र कर ही लिया है. हाँ, पीवीसी के पाइप्स बहुत फेमस है. मतलब भाई पॉलीविनाइल क्लोराइड के पाइप्स तो आते ही आते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, जिसको हम घर में वाटर लाइन के लिए यूज़ करते हैं, हाँ, और ये बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइन के लिए भी यूज़ करते हैं, तो पीवीसी के पाइप्स आते हैं. तो ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक्स हैं, हाँ, और बहुत सारे प्लास्टिक के फॉर्म हैं जो कि यूज़फुल है हमारे डेली एवरीडे लाइफ में. अब हम काइंड्स ऑफ प्लास्टिक देखते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्लास्टिक ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे रिएक्ट टुवर्ड्स हीट. मतलब वो हीट के तरफ कितना क्या रिएक्शन देते हैं, उस हिसाब से प्लास्टिक को हम दो तरीके से डिवाइड किए हैं, एक थर्मोप्लास्टिक, दूसरा थर्मोसेटिंग. थर्मोप्लास्टिक एक्चुअली वो सब्सटेंस होता है जो कि मेल्ट हो जाता है गर्म होने पे आराम से, और उसको हम इजीली बार बार अगेन एंड अगेन डिफरेंट शेप्स दे सकते हैं. मतलब हमने एक बार कुछ प्लास्टिक की मटेरियल बनाई, उसको यूज़ किया, हाँ फिर वो पसंद नहीं आया, हम उसको फिर से गर्म करके मेल्ट कर सकते हैं, फिर से उसको दूसरा शेप दे सकते हैं, वही पसंद नहीं आया फिर से उसको तीसरा, मतलब उसको हम बार बार रीशेप में डाल सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है. तो ऐसे प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं, जस्ट लाइक पॉलीथीन हो गया, नायलॉन हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीस्टीरीन हो गया, ये सारे थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जांपल हैं.
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? वो प्लास्टिक जो कि सिर्फ एक बार ही डिजायर्ड शेप में मोल्ड हो सकता है और बाद में हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं, सॉरी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स भी हैं, जैसे कि बेकलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, फॉर्मिका हो गया। फॉर्मिका एक्चुअली जो बाथरूम में कुछ कुछ प्लास्टिक्स के यूजेज आते हैं ना, वो फॉर्मिका का होता है। फॉर्मिका के बहुत सारे यूजेज भी होते हैं, जैसे लाइक प्लास्टिक की चेयर्स, उसमें भी फॉर्मिका का यूज़ होता है। मेलामाइन से डिनर सेट बनाए जाते हैं, वो जो शाइनी आकर्षक डिनर सेट होता है ना, जिसमें बहुत सारा शाइनी अपीयरेंस रहता है, वो मेलामाइन के प्लास्टिक कोटेड का कारण होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स भी हैं। थर्मोप्लास्टिक्स आर लेस टफ एज कम्पेयर टू थर्मोसेटिंग। ये जो थर्मोप्लास्टिक्स है ना, ये कम टफ होता है, मतलब ये ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता थर्मोसेटिंग के कंपैरिजन में। जो थर्मोसेटिंग का प्लास्टिक होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और बहुत ही ड्यूरेबल होता है, उससे कंपैरिजन में थर्मोप्लास्टिक थोड़ा सा ईजी टफ होता है, मतलब थोड़ा लेस टफ होता है। ओके, थर्मोप्लास्टिक आर लेस रेसिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर मोर रेसिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर। मतलब थर्मोप्लास्टिक जो है वो कम टेम्परेचर, मतलब कम, थोड़ा सा कम हाई टेम्परेचर पे भी पिघल जाएगा, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को पिघलने के लिए हमें बहुत 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 हाई टेम्परेचर चाहिए। तो ये डिफरेंसेस है दोनों में। अब कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और प्लास्टिक्स के यूज़ देखते हैं। Different type of plastic differ in some physical and chemical properties. The following properties are most common to them. हाँ, बहुत सारे प्लास्टिक एक दूसरे डिफर होते हैं बहुत सारे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसे जो कि बहुत कॉमन है, जैसे कि प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक्स नॉन रिएक्टिव होते हैं, वो ईजिली रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ भी। हाँ, जस्ट लाइक आयरन, जैसे कि आयरन अगर आप उसको नॉर्मल एयर में छोड़ दो तो मॉइस्चर और पानी के कारण उसमें रस्टिंग का प्रोसेस आने लगता है, वो रस्ट करने लगता है, कोरोड्स करने लगता है। बट प्लास्टिक्स के साथ ऐसा नहीं होता। प्लास्टिक्स को आप पानी में डाल के छोड़ दो, हवा में छोड़ दो, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा हवा पानी के साथ। हाँ, तो ये स्पेशली नॉन रिएक्टिव ही होते हैं। पीवीसी पाइप्स को हम यूज़ करते वाटर पाइप्स के लिए, है ना, पीवीसी पाइप मैंने ही बताया आपको। हाँ, वाटर पाइप्स के लिए उसे यूज़ करते, वाटर टैंक्स के लिए, जो आपके घर में सिस्टर्न लगी होगी या फिर टंकी लगी होगी पानी की, वो भी पीवीसी पाइप्स की बनी होती है। ओके, ना पीवीसी पाइप्स को हम शूज़ के नीचे जो सोल होता है ना, उसमें उसको बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है पीवीसी का। हाँ, सैंडल्स के सोल के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो पीवीसी का बहुत सारा यूज़ है। ना पीवीसी का यूज़ रेनकोट्स, हैंडबैग्स, इवन बाथरूम कर्टन्स, वो जो प्लास्टिक्स की ट्रांसपेरेंट कर्टन्स होते हैं ना, वो भी पीवीसी से बनी होती है। तो ऐसे बहुत सारे पीवीसी के यूज़ है। ओके, नाउ दूसरा क्या है इसका, कि प्लास्टिक्स लाइट होते हैं, मतलब बहुत हल्के होते हैं, ज़्यादा भारी नहीं होते इन कंपेरिजन टू लोहा या फिर और भी अदर मेटल्स। ओके, ये लाइट होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल क्या है, थर्मोकॉल। ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है प्लास्टिक का, जो कि अपने हल्केपन के लिए, लाइटनेस के लिए और रिजिडिटी के लिए, मतलब स्ट्रांगनेस के लिए जाना जाता है। हाँ, थर्मोकॉल का हम बहुत सारे यूज़ करते हैं। हाँ, थर्मोकोल से बहुत सारे डिस्पोजल्स, कप्स वगैरह, हाँ, या फिर प्लेट्स वगैरह, आप अगर पार्टी में जाते हो तो वहाँ पे बहुत बार डिस्पोजल कप्स होते हैं थर्मोकोल के बने हुए, तो ये सब यूज़ होता है थर्मोकोल का ना। और तो और, इवन अगर आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट लाते हो जो कि थोड़ा फीवल है, कमज़ोर है, एक बार गिरने पर टूट जाएगा, तो वो भी थर्मोकोल से पूरा पैक्ड होता है। इवन आप फ्रिज ले आओ, वॉशिंग मशीन ले आओ, कूलर ले आओ, टीवी, कुछ भी ले आओ, वो थर्मोकोल से अच्छे तरीके से पैक्ड होता है। उसके अंदर नायलॉन के अच्छे तरीके से रैपर लगाए जाते हैं। तो ये सारे यूजेज है थर्मोकोल का। इजी होता है, हल्का होता है, लेकिन हाँ ड्यूरेबल होता है, रिजिड होता है। ओके, नाउ अब कुछ प्लास्टिक्स स्ट्रांग भी होते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं। जैसे स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल आर ऑल्सो मोल्डेड इन डिफरेंट शेप एंड साइज, जनरली चीपर देन मेटल्स। हाँ, प्लास्टिक भी स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल होते हैं, लंबे समय तक टिकते हैं, हाँ मजबूत होते हैं, और ये स्पेशली मेटल से तो सस्ते बिकते, चीप होते, सस्ते दामों में बिकते हैं। मेलामाइन ऑल्सो प्लास्टिक यूज फॉर मेकिंग डिनर सेट एंड डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स। मैंने भी बताया हाँ कि जो मेलामाइन का प्लास्टिक होता है ना, उसको यूज़ किया जाता है डिनर सेट बनाने के लिए। हाँ, डिनर सेट जैसे आप कांच के प्लेट या फिर चीनी मिट्टी का प्लेट यूज़ करते हो घर में, तो उसके ऊपर जो शाइनिंग अपेयरेंस होता है ना, वो सारे मेलामाइन के प्लास्टिक के कारण होते हैं। हाँ, और डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे घर में सजावट की चीज़ें भी मेलामाइन से बनती हैं, तो मेलामाइन के प्लास्टिक का ही बहुत यूज़ है। पॉलीथीन यूज फॉर मेकिंग कैरी बैग्स एंड एडहेसिव टेप्स। पॉलीथीन का भी यूज़ किया जाता है कैरी बैग्स के लिए, झिल्ली के लिए, या फिर जो टेप होता है ना, सेलो टेप्स वगैरह, उसके लिए भी पॉलीथीन का यूज़ किया जाता है। पीवीसी का यूज़ किया जाता है फ्लोर के टाइल्स बनाने में, जो प्लेट जो नीचे टाइल्स लगी हुई होती है ना ज़मीन पे, फर्श पे, वो भी पीवीसी से बनती है। हाँ, पीवीसी का यूज़ होता है ड्यूरेबल टॉयज़ बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए। हाँ, तो बहुत सारे यूज़ है पीवीसी के। अब कुछ प्लास्टिक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं।
पुअर कंडक्टिव मटेरियल्स ऐसा मटेरियल्स होता है जिसमें कि हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता एक जगह से दूसरी जगह, बट जो मेटल होता है ना वो बहुत ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। उसमें क्या होता है, एक पॉइंट से आपके दूसरे पॉइंट तक हीट आराम से ट्रांसफ़र हो जाता है। तो प्लास्टिक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, इसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। इसका एग्जाम्पल क्या है, बेकलाइट। हाँ, घर में आपकी मम्मा खाना बनाती है ना, तो जो कुकर यूज़ करती है उसके हैंडल में जो ब्लैक कलर का बेकलाइट लगा होता है ना, वो एक तरह का प्लास्टिक है और वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। वो इसलिए दिया जाता है ताकि आपको उस कुकर को पकड़ने में गर्म ना लगे। फॉर एग्जांपल ये देखो, हाँ ये पैन है, इसमें जो ये ब्लैक कलर का लगा हुआ है ना मटेरियल, ये बेकलाइट है। ये इसलिए दिया जाता है ताकि ये हैंडल गर्म ना हो और आप आराम से खाना बना सके उसमें। तो बेकलाइट का यूज़ किया जाता है। ओके, पॉलीस्टीरीन इज़ अ गुड थर्मल इंसुलेटर। अब एक पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक है जो कि गुड थर्मल इंसुलेटर है, कैसे। ओके, आपके घर में एक फ्रिज है, आप फ्रिज अगर खोलोगे तो जो उसके डोर है ना उसको देखने में थोड़ा मोटा होता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में, डोर के बीच में पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है जो कि एक गुड थर्मल इंसुलेटर है। वो अंदर की ठंडी हवा बाहर नहीं जाने देता और बाहर की गर्म हवा अंदर नहीं जाने देता, तो ये एक थर्मल इंसुलेटिंग का काम करता है। इसी तरह से पॉलीस्टीरीन का बहुत जगह यूज़ होता है एसीज में, ठीक है, फ्रिज में, कूलर में, थर्मोस फ्लैक में। आप जो थर्मस यूज़ करते हो पानी को ठंडा रखने के लिए, उसमें भी यूज़ होता है। इवन आपने देखा होगा बहुत सारे, अगर आप ट्रिप पे जाते हो या फिर अगर आप पार्टीज़ में जाते हो, तो एक बड़ा सा टैंक रहता है डब्बे टाइप का, उसमें बर्फ़ रहती है, बर्फ़ रखने का वो बॉक्स रहता है, आइस बॉक्स। हाँ, उसमें भी थर्मल इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है, पॉलीस्टीरीन का यूज़ किया जाता है ताकि जो बर्फ़ है ना वो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से पिघले ना। तो ये सारे पॉलीस्टीरीन का यूज़ है। अब कुछ प्लास्टिक्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता, कुछ प्लास्टिक्स पुअर कंडक्टर ऑफ हीट थे जिसमें हीट ट्रैवल नहीं करता, और कुछ प्लास्टिक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल नहीं करता। इस कारण से जो बेक लाइट होता है ना उसको यूज़ किया जाता है घर के इलेक्ट्रिकल स्विचेस और प्लग्स बनाने के लिए, ठीक है। आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते होंगे ना, प्लग्स होते होंगे, आप उसको देखना है, वो बेक लाइट के बने होते हैं। ओके, और कुछ पीवीसी एज ए इंसुलेशन कवर भी यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक वायर्स में। जो वायर्स होते हैं ना उसको कवर करने के लिए ताकि जो करंट है बाहर फ्लो ना करे, तो पीवीसी का उस पर हाँ कोट चढ़ाया जाता है, एक इंसुलेशन कवर चढ़ाया जाता है। ओके, अब कुछ प्लास्टिक इनर्ट होते हैं केमिकल से। हाँ, आपके घर में अगर कोई नॉन स्टिक पैन होगा ना तो वो स्पेशली टेफ्लॉन प्लास्टिक से बनते हैं, ठीक है। ये जो टेफ्लॉन होता है ना ये इनर्ट होता है केमिकल से, मतलब उसमें आराम से खाना बना सकते हो, वो रिएक्ट नहीं करेगा, खाना खराब नहीं होगा और खाना आपका प्योर रहेगा। तो इस तरह से प्लास्टिक का बहुत सारा यूज़ है। अब देखो, प्लास्टिक्स के तो हमने बहुत सारे यूज़ देख लिए, अब लेकिन प्लास्टिक पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है साथ साथ। वो कहा जाता है ना, अगर किसी का बेनिफिट है तो उसका डिसएडवांटेज भी है ना। तो अब हम प्लास्टिक्स के और उसके जो होने वाले पॉल्यूशंस है ना वो देखते हैं। प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। सबसे पहले तो प्लास्टिक ईजिली डिकम्पोज नहीं होता। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ईजिली हाँ सॉइल में जाने से या फिर इन्वायरमेंट में जाने से हाँ नेचुरल प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज हो जाए, हाँ बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज हो जाए। जैसे कि आप फूड मटेरियल देख लो, हाँ बेकार खाना वगैरह जो थोड़े सड़ गए अब उसको ज़मीन में डाल दो, कुछ दिन के बाद वो डिकम्पोज हो जाएंगे, उसमें बैक्टीरिया लग जाएगा और वो बिल्कुल डिकम्पोज हो जाएंगे। लेकिन जो प्लास्टिक है ना वो सालों साल वैसा ही रहेगा, ख़राब हो जाएगा लेकिन वो वैसा ही रहेगा, वो डिकम्पोज नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही डिसएडवांटेज फैक्टर है प्लास्टिक का कि एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है, ये इजिली डिकम्पोज नहीं होता नेचुरल प्रोसेस से और एक्शन ऑफ बैक्टीरिया से। सिंथेटिक फाइबर भी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। सिंथेटिक फाइबर क्या क्या, जो नायलोन हमने देखा था, पॉलिस्टर देखा था, रेयन देखा था, ये भी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। उसको भी अगर आप छोड़ दोगे ना तो ये लंबे समय तक वैसे ही रहेगा, ख़राब नहीं होगा, हाँ ये डिकम्पोज नहीं होगा, इजिली ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो ये नेचर को, इन्वायरमेंट को बहुत हार्म करता है। नाउ अब देखो, डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेट्स लीड्स टू फॉलोइंग हेल्थ एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। आप यहाँ पे देख रहे होगे एक फिगर है, ये एक एक्चुअली नदी के किनारे का फिगर है, यहाँ पे कितने सारे प्लास्टिक्स कितने सारे जमा हैं और ये बाद में जाके एक खास एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स है ना प्लास्टिक कारण वो होता है। प्लास्टिक्स एयर प्रॉब्लम भी करता है, अगर आप प्लास्टिक को जलाओगे ना तो उसमें बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं जो कि एयर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इवन अगर आप प्लास्टिक को फेंक दोगे तो उससे वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन सब होता है। तो प्लास्टिक बहुत 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 अफेक्ट करता है हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे नेचर को। ओके, ये देखो, ये एक ज़मीन है जिसमें काफ़ी लंबे समय से प्लास्टिक जमा हो रही है, मतलब ये ज़मीन तो गया काम से, ऐसा है। प्लास्टिक इतना इसको ख़राब कर देते हैं।
ओके, कुछ पॉली बैग्स केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग ड्रेन्स एंड सीवर लाइन्स। अगर मान लो आपके घर के आगे सीवर लाइन्स है, सीवर पाइप्स है, नाले वगैरह ना, तो उसमें जो प्लास्टिक्स होते हैं ना कई बार फंस जाती है उसके मुंह में जा करके, जिससे वो जाम हो जाता है, नाला जाम हो जाता है और पानी सड़ने लगता है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है प्लास्टिक का, जिसके कारण डिजीजेस होती है और उस गंदे पानी से बहुत सारी बीमारियाँ होती है। ओके, कुछ वेस्ट प्लास्टिक प्रोवाइड्स होम फॉर मैनी डिजीज कॉजिंग जर्म्स। मान लो आप एक प्लास्टिक को फेंक दिए, प्लास्टिक के डब्बे को फेंक दिए, हाँ, कई बार उसमें क्या होता है, पानी जमा हो जाता है, रेन वाटर, जिसके कारण से उसमें पनपने लगते कुछ डिजीज कॉजिंग जर्म्स, जो कि बीमारी फैला सकते हैं, मच्छर हो गए, मक्खियाँ हो गई, जो कि बाद में बीमारी क्रिएट करती है। तो प्लास्टिक्स शेल्टर भी बन जाता है बहुत सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जर्म्स के। ओके, प्लास्टिक इटन बाय कॉज एंड कैटल्स क्रिएटेड दैट प्रॉब्लम। हाँ, कई बार क्या होता है, जानवर, उनको तो उतनी समझ नहीं होती ना, वो खाते खाते प्लास्टिक्स को भी खा लेते हैं, जिससे क्या होता है, जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है, और कई बार वो डेथ भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। तो प्लास्टिक्स इवन ह्यूमंस के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है, वो बहुत ज़्यादा इन हेल्थ हजार्ड क्रिएट करता है। ओके, केमिकल यूजेज इन प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टिक्स कॉज कैंसर अमंग द वर्कर्स। जो जिस फैक्ट्रीज में प्लास्टिक्स बनाए जाते हैं ना, उसमें जो केमिकल्स यूज़ किया जाता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, इवन कैंसर भी क्रिएट करता है उन वर्करों में जो कि उस प्लास्टिक्स को बनाते हैं। तो इवन प्लास्टिक्स को यूज़ करने के साथ साथ प्लास्टिक्स को बनाने में भी बहुत खतरा है भाई, वो बहुत 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 डैमेज करता है। ड्यूरिंग रिसाइकलिंग ऑफ थर्मोप्लास्टिक सर्टन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड, इट इज़ अनहाइजेनिक टू कीप फूड स्टफ्स इन दिस रिसाइकल प्लास्टिक। ओके, अब देखो, मैंने आपको बताया था कि कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो कि बाद में रिसाइकल कर ले जाते हैं। ओके, तो ये जो थर्मोप्लास्टिक सब्सटेंस होते हैं ना, ये भी बहुत केयर करते हैं। होता क्या है, जब हम उसको वापस से रिसाइकल करते हैं, वापस उसको मेल्ट करके बनाते हैं ना, तो उसमें कुछ कलरिंग एजेंट यूज़ किया जाता है जो कि बाद में अनहाइजीनिक हो जाता है। भाई एक बार तो उसको आप यूज़ कर लिए, लेकिन जब आप उसको दोबारा बनाओगे ना, तो उसमें जो डिफरेंट कलरिंग एजेंट यूज़ किया जाता है ना, वो बाद में उसके फूड स्टफ्स को ख़राब कर देता है। मतलब अगर आप उस रिसाइकल प्लास्टिक में कुछ फूड स्टफ्स रखोगे, कुछ खाने की मटेरियल्स रखोगे, तो अनहाइजीनिक हो जाता है, ख़राब हो जाता है। हाँ, तो ये सारी डिसएडवांटेजेस हैं प्लास्टिक्स के। अब कुछ सॉल्यूशन, अब ये जो प्लास्टिक इतना सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे नेचर को, इन्वायरमेंट को, उसका कुछ सॉल्यूशन है क्या? पहले तो रिड्यूस, दूसरा रीयूज, तीसरा रिसाइकल, चौथा रिकवर। हाँ, तो इसको नॉर्मल टर्म में 4R प्रिंसिपल भी बोला जाता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। रिड्यूस में क्या, सबसे पहले तो भाई प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करना कम करो। हाँ, ये पहला फैक्टर है, आप यूज़ करना कम करो, उसकी गंदगी चीज़ें बेकार भी कम निकलेगी। आप कम यूज़ करोगे तो प्लास्टिक्स भी बाद में कम निकलेगा ना। दूसरा रीयूज़, जितना हो सके उसको रीयूज़ करो। अगर आप घर में कुछ प्लास्टिक्स की बॉटल्स ला रहे हो एक काम के लिए, वो ख़त्म होंगी, तो आप उसको कुछ दूसरे जगह में रीयूज़ कर लो, उसके कुछ क्राफ्ट्स बना दो, उसको कहीं पर यूज़ कर लो, तो ये होता है रीयूज़। तीसरा रिसाइकल। हाँ, गवर्नमेंट्स भी आज के डेट में 2 डस्टबिन यूज़ करने का ऑप्शन देती है, पहला ग्रीन, दूसरा ब्लू। 2 डस्टबिन यूज़ करने के लिए दिया जाता है। ग्रीन डस्टबिन वो होता है जिसमें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, ब्लू डस्टबिन वो होता है जिसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस डाले जाते हैं। हाँ, तो आप उसको रिसाइकल कर सकते हो। आप जितनी प्लास्टिक मटेरियल है ना, आप उसको ब्लू डस्टबिन में डालो, ग्रीन में मत डालो। कई जगह मैंने ऐसा देखा ना कि लोग सोचते नहीं है, भाई डस्टबिन दिख रहा है सब डाल दो उसमें। अरे, इस तरीके से जो उसमें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है ना, वो भी ख़राब हो जाता है, ना ही उसको जानवर ही खा पाते, ना ही वो अच्छे से डिकम्पोज हो जाता है। हाँ, तो भाई प्लास्टिक के साथ साथ जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, जो डिकम्पोज हो सकता है, वो भी ख़राब हो जाता है, वो भी डिकम्पोज नहीं हो पाता। तो आप ऐसा मत करो, ठीक है? तो रिसाइकल करना चाहिए। हाँ, रिसाइकल क्या, उसको डस्टबिन में डाल दो, वो बाद में फैक्ट्रीज में जाएगा, रिसाइकल होगा। चौथा, रिकवर। जो चीज़ें आप अपनी ज़रूरतों के सामान को रिकवर करो, प्लास्टिक से कुछ सामान है ना, अब उससे अपने और बाकी के ज़रूरतें पूरे करो, चीज़ों को रिकवर करना सीखो। जस्ट लाइक अगर एक प्लास्टिक्स की बॉटल है, आप उसमें पानी पी रहे हो, बाद में फेंक रहे हो, तो ये ख़राब है। आप उसको आप यूज़ कर सकते हो घर में, आप उसको डाल सकते हो, उसको बाद में और भी काम के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, एक और प्रोसेस होता है जिससे प्लास्टिक्स के सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या? इंसिनरेशन। ये प्रोसेस है जिसमें प्लास्टिक को एक जगह जमा करके जला दिया जाता है। ये जैसे कि एक फैक्ट्री है, ये इंसिनरेशन की फैक्ट्री है। यहाँ पे ये बड़े से जो क्या बोलूँ, एक जो भी लंबा खंबा है,
हाँ चिमनीज बोला जा सकता है इसको। हाँ तो इसमें ना क्या होता है, प्लास्टिक्स को एक साथ डाल करके जमा करके जला दिया जाता है, और जलाने के बाद इसके अंदर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है ताकि जो हार्मफुल गैसेस निकले ना वो अंदर में ही ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए, बाहर तक इन्वायरमेंट तक ना पहुँचे। तो ये भी एक प्रोसेस है जिससे प्लास्टिक्स का जो प्रॉब्लम है, जो प्लास्टिक प्रॉब्लम क्रिएट करी हमारे इन्वायरमेंट में, वो ख़त्म हो सकती है। अब एक क्वेश्चन सबके लिए, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियोस को देख रहे हैं, प्लास्टिक्स हमारे लिए ब्लेसिंग है या फिर कर्स है, मतलब हाँ वरदान है या श्राप है भाई? तो भाई ये दोनों है। हाँ प्लास्टिक्स हमारे लिए वरदान भी है। कैसे? क्योंकि सबसे पहले तो ये इनएक्सपेंसिव होता है, ये कम खर्चीलो होता है, हम कम पैसों में प्लास्टिक्स की बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, ये सस्ते बिकते हैं। हाँ ये लाइट वेट होते हैं, हाँ ज़्यादा भारी नहीं होते, और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते, मतलब आप एक बार प्लास्टिक की चीज़ों करोगे तो वो टूट भले जाएगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। हाँ वो बहुत ही ईजी होता है उसको लार्ज स्केल में बनाना, मतलब प्लास्टिक्स को बहुत सारा बनाना, हाँ ये बहुत ही ईजी होता है लार्ज स्केल में बनाना। और तो और आप उसको रिसाइकल भी कर सकते हो बाद में, कुछ थर्मोप्लास्टिक्स ऐसे होते हैं ना जो कि रिसाइकल हम कर सकते हो उसको। हाँ तो ये भी एक फैक्टर है, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, आप बाकी के सारे मेटल्स देख लो वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मान लो अगर आप घर में लोहे के स्विच लगाओगे ना तो सबसे पहले तो आपको झटका लगेगा, आप ही नहीं पहुँचोगे घर, तो आप बाद में देखोगे, है ना। तो प्लास्टिक्स का ये भी एक फैक्टर है यूज़ करने का कि क्या ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। हाँ तो ये सारी चीज़ें हैं प्लास्टिक्स के एडवांटेज की, जो हमारे लिए ब्लेसिंग है, बट हमारे लिए कुछ कर्स भी है, कुछ श्राप भी है। क्या ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये जल्दी डिकम्पोज होता ही नहीं है भाई, अगर आप इसको एक बार यूज़ करोगे तो आप करते ही रहो यूज़, कुछ आप इसको फेंकोगे, ख़राब करोगे, हाँ तो वो आपको ही अफेक्ट करेगा, नेचर को ही अफेक्ट करेगा। दूसरा ये इनफ्लेमेबल होता है, इसमें आग जल्दी पकड़ती है, ठीक है, और ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है, ये हार्मफुल फ्यूम्स देता है, गैसेस निकालता है जलने पे। तो ये सारे प्लास्टिक्स के हार्मफुल इफेक्ट्स है, कर्स है, इवन एनिमल्स के लिए भी प्लास्टिक्स जानलेवा है भाई। कोई जानवर गलती से खा गया ना भाई, वो तो गया गया काम से, तो एनिमल्स के लिए भी प्लास्टिक्स हार्मफुल है। तो गाइज यहाँ पे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस अप टू ऑन साइंस एंड सोशल साइंस इंग्लिश। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो प्लीज़ गेट इन टच विथ मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइज़।